हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। मैंने ये तीन अंडे उबाल लिए हैं, यहाँ मैंने तीन अंडे उबाले हैं। लहसुन भी मैं इसमें उबाल चुकी हूँ, तो मैं इसमें अंडे को फ्राई करूँगी। आज और यहाँ मैं आलू उबाल चुकी हूँ। यहाँ हरा मिर्च है, यहाँ मैंने एक टमाटर ले लिया है, यहाँ प्याज है दो। मैंने लहसुन उसमें सब कुछ उबाल दिया है, ताकि लहसुन अंडा में तो पकता नहीं है। मैंने लहसुन को इसलिए इसमें फ्राई कर रही हूँ, ताकि लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है फ्राई कर देने पर, एकदम चिकन का स्वाद देता है लहसुन। और मैं ये तीन ही अंडा उबाली हूँ आज, इसलिए वो कहीं और गए हैं, हम अकेले हैं और मेरी लड़की है ना, तो वो फ्री का माल खोलती है, अपना पैसा नहीं लगाना चाहती है। अब बताइए, फ्री का माल खोजिएगा, ये पैसा रखी है 200-1000 रुपया रखी है, मांगेगा तो देगी नहीं, तो हम क्यों दे दें इसको, बताइए। तो देखिए मेरा अंडा यहाँ एकदम अच्छा से उबल फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें आलू को भी भून लूँगी, इसको मैं आलू दूँगी, अंडा मैं खा जाऊँगी। मेरा आलू ही देखिए एकदम लाल हो चुका है, तो मैं इनको भी निकाल लूंगी। अब थोड़ा सा तेल और डालूंगी मैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, देखिए एकदम मेरा ये फ्राई हो चुका है हर चीज। ये चार मिर्चें मैंने हरी फाड़ ली है, इसको इसमें डाल दूंगी। मैं प्याज डालूंगी, प्याज मैं पहले इसको प्याज को फ्राई कर लूंगी अच्छा से, तो ही मैं इसमें टमाटर डालूंगी और मसाला डालूंगी। हल्का नमक मैं अभी डाल दूंगी थोड़ा सा इस प्याज गलने के लिए। प्याज में नमक डाल दीजिए तो बहुत जल्दी मसाला गलता है। तो देखिए मेरा प्याज एकदम भून चुका है, अब मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। सारे मसाले इसमें है, हल्दी वल्दी सब है, काली मिर्च है, जीरा है, लहसुन है, बस इतना ही मसाला मैं डालती हूँ, आप तो जानते ही हैं। और टमाटर भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब स्वाद अनुसार नमक मैं इसमें यूज करूंगी, ध्यान रहे पहले मैंने नमक डाला है इसमें। अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, अभी जब तक मेरा टमाटर नहीं गल जाता है तब तक ये पकेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा मसाला एकदम भून करके देखिए कलर इसका, देखिए एकदम अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ग्रेवी के लिए, और लहसुन भी मैं अभी डाल दूंगी, ताकि इसमें मसाला अंदर तक चला जाए। और
लहसुन क्या मैं हर चीज़ डाल दूँगी इसमें। और मैं देखिए यहाँ छोटा छोटा आलू दो आलू ली थी, तो इसको काट करके मैंने अंडे के साथ ही उबाल लिया था। ऐसे खड़े खड़े अगर उबालती तो नहीं पकता। और दो अंडा मेरा है, एक अंडा मेरी लड़की खाई है, दो अंडा मेरा है। ग्रेवी ज़्यादा का काम नहीं है हम लोग को, हम लोग ज़्यादा ग्रेवी नहीं खाते हैं। थोड़ा सा इसमें और मैं पानी डालूंगी ताकि ये अभी पकेगा ना। बस हो गया, अब दो तीन मिनट इसको मैं पकाऊंगी। और थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, अभी ही डाल देती हूँ। नहीं गरम मसाला नहीं, चिकन मसाला है, चिकन मसाला ही यूज़ करती हूँ आज। आप लोग तो जानते ही हैं कि अब तो गर्मी का दिन आ गया, धनिया पत्ता का थोड़ा अभाव चल रहा है, नहीं मिल रहा है। बाजार में भेजे भी थे तो नहीं मिला यार। अब मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये मेरा अंडा कढ़ी बनके एकदम तैयार है। ये कलर इसका देखिए, और सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है, मस्त। हाँ यम्मी यम्मी आज खाएंगे हम लोग, देखिए। तो चलिए बनाइए, बनाकर खाइए और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। देखिए मेरा ग्रेवी भी कितना मस्त बना है। तो दूसरे दिन मैं दूसरे टाइप से बना के आपको दिखाऊंगी। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।